भाई आज कितने दिन के बाद वो किलर एमटीएल जगा है भाई। वाह आज थोड़ा बहुत मूड वगैरह जग रहा है। क्या चला रहा है भाई? शांत होकर बैठा था मगर भाई आज तूफान। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। स्वागत है और एक नई व्लॉग में। तो अभी देख सकते हो हमारा यहाँ पर बैटरी वगैरह मैंने इंस्टॉल कर दिया है। तो मैं तुम लोगों को बता दूं हमारा 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, तो जाओ सब्सक्राइब कर दो। तो देख सकते हो यहाँ पर हमारा कितने सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में बाकी है भाई, 500 होने वाले हैं। तो जल्दी जाओ सब्सक्राइब कर दो अपने भाई को, और नए नए वीडियोस वगैरह डेली ला रहे हैं और अच्छा खासा प्यार दिखा रहे हो, तुम लोग देख ही सकते हो। आज की वीडियो में बता दूं मैं आज बेकार बैठा था घर में भाई, बेसिकली मैं घर में अकेला बैठा था। तो मैंने आज सोचा कि भाई चलो थोड़ा बहुत राइड वगैरह करके आते हैं, अपनी रोलेक्स भी है तो मौसम भी थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा है। देखो वीडियोज तो डेली आने वाले हैं क्योंकि मैं बता दूं अपना अच्छा खासा कॉन्टेंट मोटर ब्लॉगिंग में नहीं होता है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि भाई तुम लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टेंट ला जाए। वाह हा हा हाय हाय हाय, ये व्हीली में क्या मजा है। अरे जान निकल जाती है मगर फिर भी ये व्हीली मारना छोड़ना नहीं है भाई। मौसम ठंडा ठंडा सा हो गया है और मैं भाई कुछ पहन ही भाई हाफ स्लीव पहन के आया हूँ। सो टी शर्ट वगैरह पहन के मैं निकल गया भाई चलो अभी, और राइडिंग ग्लव्स वगैरह कुछ भी लेने का टाइम ही नहीं मिला मुझे। तो अभी चलो चलते हैं, निकलते हैं फुल पावर। अबे फोन का भाई पैंट का चेन खोला हुआ था भाई। तुम लोग इतना अच्छा प्यार दिखा रहे हो ना मुझे भाई, बहुत ज्यादा मजा भी आ रहा है वीडियोस वगैरह बनाने में। चलो भाई बहुत दिन रैश ड्राइविंग वगैरह किया नहीं भाई, आज थोड़ा बहुत मूड वगैरह जग रहा है। रॉकेट निकालो भाई। ओहो गाइस मजा आ गया भैंस की आग। शांत होके बैठा था मगर भाई आज तूफान, मतलब एक अलग सी एनर्जी आ रही है। मगर फिर भी हमें ध्यान से बाइक चलाना है क्योंकि भाई तुम्हें पता होगा हमारे बाइक में ब्रेक्स वगैरह भी उतना अच्छे नहीं है, क्योंकि भाई अट्टियर वगैरह में उतना अच्छा ब्रेक्स वगैरह नहीं होता है। क्या चला रहा है? कार चला रहा है या और कुछ? देख रहे हो ना भाई, देख रहे हो मजा आ गया खतरनाक। रोलेक्स तो रोलेक्स है भाई, आरटीआर का पावर ही कुछ अलग लेवल का है। हैंडलिंग भी अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कर रहा कि भाई हैंडलिंग अच्छा नहीं है, मगर वो राइडर के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसे हैंडलिंग करते हो अपनी बाइक को, ठीक है। और बेसिकली तो मैं बताऊं तो भाई खतरनाक, मेरे लिए ये बाइक एक नंबर है भाई। जगह में मैं रोज ही आता हूँ अपना पानी पूरी वगैरह खाने के लिए भाई, आज अंकल बैठे नहीं है और यहाँ पर धीरे जाना पड़ेगा भाई। ओए काके ओए काके ओए काके, आजकल कुछ ज़्यादा ही मैं रफ चला रहा हूँ भाई। मैं यहाँ पर आता हूँ रोज़ ही, यहाँ पर आता हूँ जो कि है थोड़ा बहुत गप्पे शप्पे लगाने के लिए अपने फ्रेंड्स वगैरह के लिए। और यहाँ का भाई भाई पानी पूरी इतने अच्छे होते हैं ना भाई, मज़ा आ जाता है पानी पूरी पी के। भाई आज कितने दिन के बाद वो किलर एमटीएल जगा है भाई। ओ शेड भाई क्या खतरनाक राइड हो रहा है भाई, फिर से ट्रैक में आया अपना बंदा। रुको 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 इसे रुको, कुछ दिन बोलना गलत है भाई, कुछ महीनों से मतलब एकदम शांत हो गया था कि भाई हाँ ऐसा कुछ सीन है भाई, बाइक्स वगैरह तेज नहीं चलाता मैं, ठीक है। अब तो वैसा कुछ सीन भी नहीं है, ठीक है। अब जितना चाहो उतना स्पीड में चला सकते हो। देख रहे हो ना रोड का हालत, देखो भाई अंधेरा अभी लगता है अंधेरा हो गया है मगर अंधेरा वगैरह कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर। क्या बात है, एक सेकेंड कॉल आ गया। A few minutes later. यहाँ पर देख सकते हो क्या हवा दे रही है भाई, यहाँ पर देख सकते हो ये है भाई अपने गेहूं या धान है लगता है भाई, धान वगैरह है। और अभी हमारी बाइक यहाँ पर कुछ ऐसी खड़ी हुई है भाई, क्या सेक्सी लगती है बैक से भाई। सभी हम घर के तरफ आ चुके हैं, तो चलो आज के ब्लॉग को करते हो यहीं पर एंड, मिलते किसी और एक दवाई इसी राइड के साथ, मिलते किसी और एक नई ब्लॉग में, तब तक लिए गुड बाय।